नगर परिषद हमीरपुर की मासिक बैठक नगर परिषद अध्यक्ष सुलोचना देवी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में नगर परिषद के सभी 11 वार्ड पार्षदों ने भाग लिया। नगर परिषद में 11 वार्ड में पेयजल समस्या तथा सीवरेज समस्या पर चर्चा की गई। पेयजल मुद्दे की समस्या को लेकर सभी नगर परिषद के वार्ड सदस्यों ने आईपीएच विभाग के कनिष्ठ अभियंता तथा लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता को भी बैठक में विशेष रूप से बुलाया था। वार्ड नंबर 6 के पार्षद अश्विनी शर्मा ने कहा कि नगर परिषद के टाउन हॉल के बाहर सीवरेज समस्या के चलते आईपीएच विभाग के मुरम्मत कार्य के बाद इस सड़क के कुछ हिस्से को लंबे समय से पक्का नहीं किया गया है। इस पर सभी पार्षदों ने भी सड़क के निर्माण कार्य को लेकर सहमति पर प्रस्ताव डाला। वार्ड नंबर 2 के पार्षद एवं उपाध्यक्ष दीप कुमार बजाज ने नगर परिषद में बने सभी वार्ड के ओवर हैंड टैंकों में पानी न डालने के पीछे आ रही आईपीएच विभाग की कमियों के कारण को जाना। इस मौके पर आईपीएच विभाग के कनिष्ठ अभियंता ने कहा कि शहर में शीघ्र ही 65 करोड़ से बनी पेयजल योजना ब्यास से पानी को उठाने में सरकार के पास करीबन 40 लाख रुपए शेष राशि बची हुई है, जिसके चलते इस योजना का कुछ कार्य अधर में लटका हुआ है। इस मौके पर लोक मित्र केंद्र तथा अन्य सोसायटी के पंजीकरण को लेकर भी कई प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान की गई। सीवरेज तथा पानी की समस्या के समाधान को लेकर भी विभागीय अधिकारियों से इस बारे में शीघ्र कार्यवाही करने को लेकर चर्चा कर अंतिम रूप दिया गया। बैठक में नगर परिषद अध्यक्ष सुलोचना देवी, उपाध्यक्ष दीप कुमार बजाज, अनिल सोनी, रीटा खन्ना, राजेश चौधरी, अश्विनी शर्मा, मनोरमा लखनपाल, रीता आशा रानी तथा बीना दिमान, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी विनोद कुमार, जेई अश्विनी शर्मा, आईपीएच विभाग के कनिष्ठ अभियंता देशराज दिमान तथा लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता विवेक दिमान मौजूद रहे। बैठक में वर्षी की मास की बैठक में कुछ ऑनलाइन मैप आए थे वो पास किए गए और कुछ दूसरे मैप भी जो पेंडिंग पड़े थे वो भी हौसले पास किए। कुछ एनओसी के लिए कुछ लोगों ने अप्लाई किया था लोक मित्र केंद्र खोलने के लिए, एक दो कुछ ऐसी संस्था खोलने के लिए अप्लाई किया जिनको सर्वसम्मति से पास किया गया कि वो खोल लें। वाटर सप्लाई की स्कीम कई वर्षों से चली हुई है, इतने कोड़ आ गया, लेकिन आज तक वाटर सप्लाई जो है वो शहर की नहीं सुधरी। जितना लोगों को पानी मिलता है वो नहीं मिल सका, लेकिन आज उस डिपार्टमेंट के लोगों ने कहा है कि एक 65 करोड़ रुपये की स्कीम है जिसमें कोई 40 करोड़ रुपये हमने खर्च किया है, 25 करोड़ सरकार के पास पेंडिंग पड़ा है, सरकार नहीं दे रही है अभी तक। जब सरकार देती है तो वो काम जो आगे बढ़ेगा। वाटर टैंक स्टोर जो है वो बनाए गए हैं, उनसे उन्होंने ये कहा है कि मई जून तक उन वाटर टैंकों से अलग अलग वार्डों को पानी दिया जाएगा, जिससे पानी की जो है वो गति बढ़ेगी और उस गति बढ़ने से लोगों के छतों तक पानी जाएगा, 1, 2, 3, 4 मंजिल पानी चढ़ जाएगा। तो गर्मी में रात तो लगता है इस बार गर्मियों में पानी की राज जो है वो मिल जाएगी। आईपीएस के वालों के पास नहीं है। वार्ड नंबर 7 और 8 में सीवरेज बहुत साल पुरानी कुछ सीमेंट की पाइपों से जली हुई है जो हर जगह से दब गई है और उसकी ब्लॉकेज लीकेज वगैरह नहीं जाती है जब तक वो सीवरेज लाइनें नहीं ना पड़ जाए, लोहे की पाइपें अच्छे सिस्टम से ना पड़े, तो उनको डालने के लिए भी सरकार से आग्रह किया है कि सरकार हमें पैसा दे और अप्लाई किया है तो वो इसके लिए हमें ऑर्डर भी करे, तो जिससे आईपीएच वाले वो डालने के लिए जो है वो तैयार है।